नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं हूं आपके साथ मीनू चौहान। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। स्थानीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर भीलवाड़ा का समापन। शिविर अधिकारी सावरलाल ने बताया कि विवेकानंद केंद्र द्वारा आयोजित 5 दिवसीय आवासीय शिविर में आगुचा, भीलवाड़ा, कोटा, कारोई, सैतुरिया व आटुन गांव के 146 भाई बहनों ने 108 सूर्य नमस्कार करके राष्ट्र कार्य में आहुति हेतु और विजयदशमी के पर्व पर संकल्प लिया। हमारे शरीर में लोभ, क्रोध, मोह, वासना रूपी रावण को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लेकर मन में राम के विचार परिवार से समाज व समाज से राष्ट्र को जोड़ने का प्रण लिया। शिविर प्रमुख संजीव भैया ने शिविर की दिनचर्या व गतिविधियां खेल, मंथन, योग, भजन, देशभक्ति गीत व बौद्धिक सत्रों के माध्यम से कौशल विकास किया। शिविर में आहुति सत्र सतम्भिया प्रांत युवा प्रमुख ने लिया और कहा कि विश्वामित्र राजा दशरथ ने दरबार में जाकर असुरी शक्तियों के विनाश हेतु राजा से राम व लक्ष्मण को राष्ट्र कार्य में आहुति हेतु मांगा और गुरु ने कठिन कार्य का सामने करने के लिए प्रशिक्षण दिया। 14 वर्ष तक वन में रहकर अनेक राक्षसों व रावण का वध किया। चाणक्य ने सामान्य बच्चों को शिक्षा देकर चंद्रगुप्त द्वारा राष्ट्र विरोधी शक्तियों का विनाश किया। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की रक्षा हेतु अपना जीवन संघर्ष में होने पर भी हार नहीं मानी और अंतिम समय तक अनेकों किलों को जीतते हुए मेवाड़ को संगठित किया। वीर सावरकर ने के एक थप्पड़ से एक युवा भारतीय मदनलाल धीगरा के राष्ट्र भावना को जागृत किया। स्वतंत्रता के आंदोलन में कूदकर मदनलाल ने लॉर्ड्स कर्जन को गोली मारी। सुपर 30 के संचालक आनंद गरीब होनहार बच्चों को IIT परीक्षा में चयन हेतु अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। हिमादास 19 वर्ष की आयु में 5 गोल्ड मेडल जीत जाते हैं और देश का नाम रोशन करती है। भारत माता तो जगत गुरु तो बनेगी, लेकिन मेरा क्या योगदान होगा? शिविर में क्या योगदान होगा? भारत माता तो जगत गुरु तो बनेगी, लेकिन मेरा क्या योगदान होगा? शिविर समापन में विभिन्न विशिष्ट कार्यकर्ता विष्णु त्रिपाठी, अतुल जैन नगर प्रमुख, व्यवस्था प्रमुख सुरेश त्रिपाठी, राजनायक सह नगर प्रमुख, सह शिविर प्रमुख बलराम अही, निष्कर्ष भैया, अशोक छीपा, ओम रावल सहित कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भीलवाड़ा से न्यूज 19 के हमारे संवाददाता घनश्याम बकोलिया की एक रिपोर्ट।